कांकेर में शराब दुकानों पर अवैध वसूली की जा रही है। मामला दुर्ग कोंदल अंग्रेजी शराब दुकान का है, जहां बिना बिल के शराब बेची जा रही है। आरोप है कि दुकानदार ग्राहकों से तय कीमत से ज्यादा पैसे ले रहा है। शिकायत के बाद भी दुकानदार के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर अनादि टीवी के संवाददाता मिंटू सिग्दार ने ग्राहकों से बातचीत की। दुर्ग कोंदल शराब भट्टी के बाहर खड़े आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे जो मदिरा प्रेमी लोग हैं, जो शराब खरीदने आए हैं, उनके जेब में किस प्रकार डाका डाला जा रहा है, आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। क्योंकि इन्होंने बताया है कि जो यहाँ पे शराब खरीदने आते हैं वहाँ पे 20 रुपए, किसी में 40 रुपए, किसी में 100 रुपए ज्यादा लेते हैं। बार बार शिकायत होने के बाद भी ऐसे भट्टी मैनेजर के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। यहाँ पे हमारे यहाँ ग्रामीण मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर। क्या नाम है? सर अजय कुमार। आप यहाँ शराब लेते हैं? अभी 100 रुपए सर, 130 रुपए लिए। कितना रुपये ज्यादा लिया आपसे? मानपुर में 110 रुपये मिलता है सर, पकागिर में 140। कितना रुपए ज्यादा लिया आपसे? 30 रुपए ज्यादा लिया सर। कैसा लगता है आपका जेब में, कहीं ना कहीं चूना लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल चूना लग रहा है। किसके दोषी मानते आप? किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? आइए हमारे साथ और एक यहाँ ग्रामीण मौजूद, उनसे भी बात करते हैं कि क्या परिस्थिति है। आपका नाम बताइए। नितिन साहू। आपने कौन सा शराब लिया आज? इन्होंने एक आफ्टर डार्क लिया, बताएंगे थोड़ा सा क्या रेट है और कितना ज्यादा लिया गया? ये इसमें गवर्नमेंट का प्रिंट रेट है 880। कितना लिया गया यहाँ पर? इसको प्रिंट को मिस्टेक करके 950, प्रिंट को मिटा दिया गया, प्रिंट मिटा कर इसको ज्यादा लिया, ज्यादा लिया है, 980 कर दिया उसको। कितना ज्यादा ले रहा है? 70 रुपया मेरे से ज्यादा लिया। क्या किस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए प्रबंधक? बिल्कुल प्रबंधक को हटा देना चाहिए और जहाँ तक हो भट्टी को बली कर दो यहाँ से। इस प्रकार से लूट क्या है? आपके जेब में कितना चूना लग रहा है? 70 रुपये मेरे से चूना लग रहा है। यहाँ तो हजारों आदमी आते हैं, तो इनकम देख सकते हैं। इनका कहना है कि हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और हजारों लोग यहाँ से शराब खरीदते हैं, और एक एक आदमी से अगर 100 रुपए 150 रुपए चूना लगाते तो कितनी बड़ी चूना लगा सकते हैं। हमारे यही अंग्रेजी शराब दुकान है, जब यहाँ हमने बात करना चाहा तो उनका कोई किसी प्रकार का कोई जवाब देने से बचते नजर आए। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं लोगों के लूटमारी लगा हुआ है, जिसके कारण जो अंग्रेजी शराब दुकान दुर्ग कोंदल में यहाँ पे अपने मन मर्जी से प्रिंट से अधिक रेट में शराब बेचा जा रहा है। आपको बता दूं, पहले भी कई बार इस भट्टी प्रबंधक पे शिकायत हो चुका है, लेकिन अब तक ऐसे प्रबंधक पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब देखने वाली बात होगी, सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे अधिकारी जो यहाँ पे जांच के लिए आते हैं, खबर प्रकाशन के बाद किस प्रकार कार्रवाई करते हैं। मैं मिंटू सिकदार, अराधी टीवी, कांकेर।